हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं क्लास टेंथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वन से लेके आया हूँ, जो कि सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो ये इस तरह से है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से बताएँ कि 867 और 255 का महत्तम। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो करने के लिए हम जो है पहले एचसीएफ को जो है इस तरह से निकाल लेंगे। तो हम इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड का जो डिवीज़न एल्गोरिथम है उसमें क्या किया जाता है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से नहीं करके, बल्कि इस तरह से करते हैं कि पहले आप बड़े वाले नंबर को आप पहले लिखते हैं और छोटे वाले नंबर को इक्वल टू के निशान के जो है राइट साइड में लिख देंगे। तो जैसा कि आपको ये मैंने ये लिख दिया है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को निकालने के लिए आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड यानी कि दीर्घ विभाजन विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो रफ़ में करना है। तो जैसे ये आपका 255 है, इसको से आपने 867 को यानी कि 255 से 867 को डिवाइड करना है। तो इसमें जैसे देखिए ये 3 times जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि 255 का 3 गुना जो है 600 होता है और 4 गुना जो है 800 से, बल्कि 900 से भी बड़ा कोई नंबर हो जाएगा, 1000 से भी बड़ा नंबर होगा। तो हम 3 से करेंगे तो 102 हमारा शेष आता है, यानी कि रिमाइंडर 102 आया। तो 102 से जो है अब 255 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और 204 आएगा। तो 255 में से 204 गए तो 51 यानी कि 51 रिमाइंडर बचता है, जो कि 102 में 2 बार चला जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो है आपका जो लास्ट में जो डिवाइडर आया वो ही जो है आपका एचसीएफ है। तो अब आपको करना क्या है, तो एचसीएफ जो है आप इसको निकालने में आप इसकी मदद इस तरह से ले सकते हैं, जो फर्स्ट स्टेप में जो अंदर लिखा हुआ है 867 उसको आपने लेफ्ट साइड में लिखा और 255 को जो है आपने जो है राइट साइड में इक्वल के लिख दिया। और ये 3 times गया है तो यहाँ पर क्या लिखा देंगे, 255 × 3। तो 255 को 3 से मल्टीप्लाई करके जब हम लिखेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 765। तो 765 में से जो है अब को अगर 867 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेष बचता है 102। तो वो 102 जो है वो हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना है, आपने 255 को जो है वो लेफ्ट साइड में लिख देना है और रिमाइंडर जो था 102 उसको 255 की प्लेस पे ले आना है। यानी कि यहाँ पर भी जो 255 बीच में है डिवाइड वाले के, उसको 102 से भाग करना है। तो हमारा 2 बार गया तो यहाँ पे आ गया 204। तो 204 को अगर 255 में से डिवाइड करते हैं, वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो शेष यानी कि रिमाइंडर आता है वो 51 आता है। तो यहाँ पर 51 लिख देंगे। अब क्या करना है, वही पहले वाले स्टेप की तरफ 102 को लेफ्ट साइड में ले जाना है, 51 को जो है इक्वल टू के निशान के राइट साइड में ले आएंगे 102 के प्लेस पे। अब ये 2 बार जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता आप इस प्रोसेस को करते रहेंगे, किसी भी और क्वेश्चन के पर्पज से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लास्ट में जो बचा है 51, जो आपका लास्ट डिवाइज़र था वो ही आपका एचसीएफ है। ये इस क्वेश्चन को करें, ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता बच्चों को, तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लिमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 or 9m+8। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाएं कि किसी घनात्मक संख्या का घन जो है वो 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीज़न लिमा को यूज़ करके बताना है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो
घन है, क्यूब है, वो 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। अब इसको मैं कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे 1 का क्यूब जो है वो 1 होता है, तो 1 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो देखिए वो तो 0 टाइम्स जाएगा, तो और रिमाइंडर वही 1 का 1 बच जाएगा। इसी तरह से जो है 2 का क्यूब जो है वो आपका 8 होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, जो कि अब इसको भी 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 टाइम्स जाएगा, यानी कि 0 बार जाएगा, और रिमाइंडर वही 8 का 8 बच जाता है। अगर हम 3 का क्यूब देखते हैं तो 3 का क्यूब होता है 27, और 27 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो वो 3 टाइम्स यानी कि 3 बार में पूरा पूरा चला जाएगा और शेष जो है 0 बचेगा। तो इसी से देखिए कि अब आप देखिए कि ये 9m की फॉर्म में है, 9m प्लस 1 की फॉर्म में है, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में है। इसी तरह से 4 का क्यूब 64 जो है वो 9×7 प्लस 1 की तरह लिखा जा सकता है। 5 का क्यूब जो है 125, उसको जब 9 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है आपको 9 से डिवाइड करने पर 13 टाइम्स जाएगा, और जो इसका रिमाइंडर है वो जो है आपके पास एक रिमाइंडर जो है 25 से 125 से 9 को गुणा करेंगे तो कितना आता है, 9 को 13 से गुणा करने पर जो है आपका रिमाइंडर जो है वो 8 बच जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि या तो वो 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा, या 9m की फॉर्म में होगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको उदाहरण दिया है कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरह से है कि आपने क्या करना है कि पहले जो लगना हम किसी भी नंबर को देखिए, अगर हम इसको 9 के उसमें चलते हैं तो ये कई बार आपको लिखना पड़ेगा, बल्कि आपको ये है 9 बार करना पड़ेगा सवाल। तो हम इसको क्या करते हैं, 9 का ही एक फैक्टर m3 की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा। तो हम उस नंबर को या तो 3n या 3n प्लस 1 या 3n प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो पहले वाले में 3n जैसे लिखा है तो रिमाइंडर 0 आने की कंडीशन है, 3n प्लस 1 लिखा है तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 3n प्लस 2 लिखते हैं तो रिमाइंडर जो है 2 आता है। तो इसका मतलब यह है कि 3 से डिवाइड करने पे हम 3 तरीके से नंबर को लिख सकते हैं, 3n, 3n प्लस 1 या 3n प्लस 2। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब हम 3n का क्यूब करते हैं, 1 by 1 इनका क्यूब करके देखेंगे कि क्या ये इस फॉर्म में आते हैं। तो पहले 3n का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 का क्यूब हो गया 27 और n का क्यूब हो गया 27n³। तो यहाँ पर इसमें से हम जो है 9 जो है कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर ब्रैकेट में बच गया 3n³। तो यहाँ पर 3n³ जो है ये एक पूर्णांक यानी के कोई इंटीजर हो सकता है जिसे हम m कहते हैं। तो m जो है वो यहाँ पर 3n³ के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं, इंटीजर जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं यानी कि 3 के मल्टीपल्स हैं, उनका क्यूब जो है वो 9m की फॉर्म में होता है। अब जो नंबरों को 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर शेष बचता है, तो या उसका जो है आप अगर क्यूब करते हैं तो देखिए 3n का क्यूब क्या होगा, 3n का होल क्यूब, और फिर जो है हम 3 और ब्रैकेट में 3n स्क्वायर का 3n का होल स्क्वायर, फिर 3n और 3n करेंगे और इस तरह से 1 का क्यूब प्लस में आ जाएगा। तो 3n³ जो है 3 की पावर n³ जो है 27n³ हो जाएगा, और जो है 3n का स्क्वायर करेंगे तो 9n² हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर 27n² हो जाएगा। इसी तरह से 3 को 3n से करेंगे 9n आ जाएगा, और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब आप पहले 3 में से, पहले 3 जो ये दे रखे हैं इनमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लेने पर ये क्या बन गया आपका, 3n³ पहले वाले में से बचा, और दूसरे वाले में से 3n², और तीसरे वाले में से n बच जाता है और 1 प्लस हो गया। तो यहाँ पर इस नंबर को हम जो है 9m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर m जो है एक इंटीजर है जो कि 3n³ प्लस 3n² प्लस n के फॉर्म में है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो था वो जो है आपका क्या है, m है। तो यहाँ पर लिखते टाइम जो है आपका लास्ट वाला n जो है वो
इसमें कट गया है, आ नहीं रहा है। तो आप समझे कि m जो है 3n³ + 3n² + n है। अब देखिए 3n+2 का होल क्यूब जब हम करते हैं तो बाइनोमियल से इसको खोलते हैं तो ये क्या हो गया 3n का होल क्यूब, फिर 3n² का 3 टाइम्स और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऊपर वाले में भी हम चाहें तो यहाँ पर पहले 1 फिर 1 का स्क्वायर और फिर 1 का क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इधर 2 आ गया, फिर ये जो है अब 3n के का स्क्वायर की जगह 3n आ जाएगा, एक पावर और कम हो जाएगी और 2 की पावर एक और बढ़ गई, वो 2 का स्क्वायर हो गया और फिर 2 का होल क्यूब हो जाएगा और 3n की पावर 0 n के वो 1 हो जाएगा। तो पहले वाले को खोलते हैं तो वो कितना हो जाता है 27n³, और दूसरे वाला जो है 3n² 9n² हो जाएगा, इसे 3 × 2 यानी के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपका हो जाएगा 54n². तो 9 को 6 से करेंगे 54n² हो गया, और 3n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, तो 9n हो गया, और फिर उसे 4 से करेंगे तो 36n हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया। अब पहले वाले की तरह इसमें से फर्स्ट 3 में से हम जो है देखिए 9 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आपके पास 3n³ + 6n² आ जाएगा और 36n में से 9 कॉमन लेंगे तो आपके पास 4n आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है 4n लिखेंगे, तो अब आप ब्रैकेट के बाहर आपका 8 आ गया। देखिए ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं ये कभी भी रिमाइंडर से यानी कि बड़ा नहीं होगा, यानी कि n जैसे यहाँ 9 है तो 9 से बड़ा नहीं हो सकता, अगर बड़ा होता है तो उसे उसका जो है फिर से पार्ट करके हम उसमें से भी कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर m जो है एक पूर्णांक यानी कि एक इंटीजर है, जो कि m जो है 3n³ + 6n² + 4n के इक्वल है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो ये तीनों लिए 3n, 3n+1 और 3n+2 तीन तरह के नंबर लिए, तो इनके क्यूब 3n वाले का 9m की फॉर्म में है और 3n+1 का क्यूब जो है या घन जो है वो 9m+1 की फॉर्म में है और 3n+2 वाले का क्यूब जो है वो 9m+8 की फॉर्म में है। यानी कि किसी भी घनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो या तो 9m की फॉर्म में होता है या 9m+1 की फॉर्म में होता है या 9m+8 की फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये है आप सीधा सीधा सा जो है कि आप अगर किसी नंबर के क्यूब को आप 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा, यानी कि अगर किसी नंबर को 9 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 2, 3, 4, 5, 6, 7 आता है तो वो किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस तरह के ये दो क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन की तरह का एक क्वेश्चन जो है आपके पास आ सकता है कि एक्सप्लेन वाई यानी कि दर्शाइए क्यों कि ये जो नंबर है और दूसरे वाला ये नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएँ हैं। तो इसको हम करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले वाले को हम लेते हैं, तो पहले वाले नंबर में देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो पहले है 7 × 11 × 13 + 13, तो इसमें से दोनों में देखिए 13 कॉमन है तो इसको कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकाल लिया तो ये हमारे पास बचा फर्स्ट वाले में 7 × 11 और फिर दूसरे वाले में बचा 1, तो 7 × 11 जो है वो 77 यानी कि 77 हो गया और एक मिलके ये कितना हो गया 78। तो ये 13 × 78 यानी कि 13 × 78 और 1 आपको पता है सबका एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड होता ही है। तो इसका इस पर 3 जो है फैक्टर आ गए तो इसी से पता लगता है कि यह एक कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए चाहें तो 78 के और फैक्टर कर सकते हैं, तो 78 को 2 से डिवाइड करते हैं मन में तो ये आ गया आपके पास 2, फिर 39 आएगा, 39 को 3 से जा सकता है तो आपके पास 3 × 13 2 आ जाएंगे, तो ये आ गया आपके पास 13 × 2 × 3 × 13 और इंटू में 1 यानी कि इसके जो है देखिए मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर होने का मतलब है कि ये नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या है, क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि जिन नंबरों के जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, जिनके 2 होते हैं वो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं इसीलिए ये
इसके अभाज्य गुणनखंड कह लीजिए जो हमारे अभी दिया था, या खाली गुणनखंड कह लीजिए, क्योंकि एक जो है इसको हम अभाज्य संख्या नहीं मानते, तो इसीलिए हम यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ पर चूंकि गुणनखंडों की संख्या जो है वो दो से अधिक है, इसीलिए 7 × 11 × 13 + 13 जो है एक भाज्य संख्या यानी के कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिनमें से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, तो आपको ये मान के चलिए कि वो डेफिनेटली 100% वो क्या होगा, एक भाज्य संख्या यानी के कंपोजिट नंबर होगा ही होगा, अगर प्लस का साइन देके कोई नंबर कॉमन निकाला जा सकता है तो वो शर्तिया जो है कंपोजिट नंबर होगा। तो अगले क्वेश्चन में भी हम जो है इसी बात के साथ इसको प्रूव भी कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन पार्ट है इसका, कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, तो इस वाले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि 5 जो है दोनों नंबरों में है, 5 दोनों नंबरों में है, तो 5 को कॉमन निकाला जा सकता है। तो हमारे पास अंदर बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये बच गया, और फिर प्लस में आपका दूसरे वाले में 5 में से 5 कॉमन लिए थे तो 1 बच गया। तो यहाँ पर देखिए आप, आपके पास ये 5 तो है, तो अब आप इनको मल्टीप्लाई, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 42 आया, और 42 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 यानी के 168 आया। 168 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये आएगा कि 8 को 3 से किया 24, फिर 6 से करेंगे तो 18, और जो है 2 करी था तो वो लेंगे तो 20 हो गया, और 3 को 1 से करा 5 तो 504 आ गया, 504 को 2 से करेंगे तो 1008 यानी कि 1008 आ गया। तो इस तरह से ब्रैकेट में हमारे पास आया 1008 और प्लस 1 यानी कि 1009। तो अब यहाँ पर देखिए सीधा सीधा ही पता लगता है कि इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 1009 के और फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं कि क्योंकि गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक है, इसीलिए ये जो है दी गई संख्या जो है वो एक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी आपके गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक हो जाए, एक को आपने ज़रूर इंक्लूड करना है, क्योंकि एक सभी संख्याओं का एक कॉमन फैक्टर यानी कि गुणनखंड होता ही है। तो एक को आप नहीं भी दे रखा है तब भी आपको उसको इंसर्ट करना पड़ेगा यानी कि लिखना पड़ेगा। तो जब भी दो से ज़्यादा होंगे गुणनखंड तो वो भाज्य होंगी। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल, सिद्ध कीजिए। हाँ देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो है, देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बताया कि √3 इज़ इरेशनल, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह से √2 और √5 पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपका प्रोसीजर सेम रहेगा, यानी कि तरीका एक ही रहेगा, 2, 3 या 5 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ तरीके को समझिए और उसी तरह से सभी क्वेश्चन जो हैं वो हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है आपको ये मानना है, इसमें हम जो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज़ करते हैं, यानी कि विरोधाभासी तरीके को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नंबर दो ही तरह के होते हैं, या तो वो इरेशनल होगा या रैशनल होगा, यानी कि या तो वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर अगर हमें इसे अपरिमेय साबित करना है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये नंबर परिमेय संख्या है, तो और बाद में हम खुद को ही गलत साबित कर देंगे तो अपने आप ही वो संख्या अपरिमेय हो जाएगी। यानी कि हम पहले ये मान के चलेंगे कि √3 इज़ इरेशनल नंबर ना होके क्या है, रैशनल नंबर है, यानी तो रैशनल नंबर होगा तो ये मानकर यानी कि परिमेय संख्या है तो हम √3 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर को, ये मैथमेटिक्स इसको में रिस्ट्रिक्ट करती है, मना करती है। तो p और q जो है असहभाज्य संख्याएं हैं, तो असहभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका HCF 1 आता है, यानी कि जिनका
जो कॉमन गुणनखंड है या कॉमन फैक्टर है वो एक के अलावा और कोई नहीं होता, यानी कि उन्हें और अधिक सरल रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो यानी कि P बटा Q एक सरल भिन्न है, इस यानी कि उसको और काटना संभव नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि तिरछा गुणा कर देते हैं, तो P बराबर है √3Q, यानी कि वर्गमूल 3Q हो गया, P बराबर वर्गमूल 3Q। अब वर्गमूल 3 को हटाने के लिए हम जो है दोनों पक्ष का जो है वर्क कर देंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और क्यू का स्क्वायर हो गया। अब देखिए जब कभी भी हम इस तरह से किसी नंबर को दो या अधिक नंबरों के गुणा के रूप में लिखते हैं, तो वो जो नंबर है, जो प्राइम नंबर है, वो दोनों नंबरों जो पहले जो नंबर दे रखा है लेफ्ट राइट में, उसको का एक फैक्टर होगा, यानी कि वो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, यानी कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। और जब क्योंकि बट 3 क्या है, 3 इज़ ए प्राइम नंबर, यानी कि 3 एक प्राइम नंबर है। और ये भी एक थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकती है। तो जैसे कि 3 जो है वो 81 को डिवाइड कर सकता है, तो 81 का जो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो 9 को भी 3 डिवाइड कर सकता है। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। और अगर 9 को डिवाइड कर सकता है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो वो 3 को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर अब 3 क्योंकि किसी का और का स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए 3 के स्क्वायर रूट को वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, और वैसे भी वो उससे छोटा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जो है पी स्क्वायर का गुणनखंड है और पी एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए 3 जो है पी का भी एक गुणनखंड है, यानी कि 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देयरफॉर पी इज आल्सो फैक्टर ऑफ पी। तो हम पी क्योंकि 3 पी को डिवाइड कर सकता है, इसलिए पी को 3 एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ एम जो है एक पूर्णांक यानी कि एक इंटीजर है, तो एम इज एन इंटीजर। तो इसको जो है इस तरह से लिख दिया। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि इस वाले जो जो आपके पास आया पी इज इक्वल टू 3m, इसके दो इसमें दोनों साइडों का फिर से स्क्वायर करेंगे, ताकि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q² से इसको कंपेयर किया जा सके, यानी कि पी स्क्वायर बराबर 3q² से इसकी तुलना की जा सके। तो ये जो है आपके पास दोनों साइडों का स्क्वायर करना है, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन वी कैन गेट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9m². तो अब देखिए पी स्क्वायर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें दे रखा है 3q², तो पी स्क्वायर की जगह हम 3q² लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 3 से 9 दूसरी साइड वाला कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो q² हो गया 3m². तो देखिए यहाँ ये फर्स्ट वाले की तरह ही वही प्रोसीजर हो गया कि 3 जो है इसका मतलब q² का एक गुणनखंड है, यानी कि 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ q², बट 3 इज ए प्राइम नंबर, देयरफॉर 3 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ क्यू। तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो q² का गुणनखंड है, और 3 क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, इसलिए वो क्यू का भी एक गुणनखंड होगा। तो ये जो है हम लाइन लिखने के बाद अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि p जो है वो q का भी गुण, वो 3 जो है वो p का भी फैक्टर है और क्यू का भी फैक्टर है, यानी कि दोनों का कॉमन गुणनखंड हो गया। तो जब ये दोनों का गुणनखंड है, तो अब हम क्या मान के चल रहे थे, हम देखते हैं कि हमने कहा कि P और Q ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि P और Q जो है को प्राइम है। तो को प्राइम जब वर्ड यूज़ किया तो उसमें जो है कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, यानी कि ऐसे अभाज्य होने पर जो है प्राइम नंबर वो प्राइम फैक्टर जो को प्राइम में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब हम जो ये मान के चल रहे थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना ही गलत था। यानी कि हम जो ये मान के चल रहे थे अपने दिमाग में कि √3 इज रैशनल नंबर, तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारा मानना गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √3 एक
अपरिमेय संख्या है, तो यही जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरह